अमेरिका में हथियार से होने वाले हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। कल भी प्रदर्शनकारियों ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सामने प्रदर्शन किया। उससे एक दिन पहले भी 30 किलोमीटर लंबी मार्च निकाली गई थी। यूक्रेन के पास ब्लैक सी में नाटो देशों और यूक्रेन की नेवी ने सी ब्रीज 2017 ड्रिल में हिस्सा लिया। ड्रिल में करीब 30 युद्धपोत शामिल हुए, जिसमें अमेरिका के मिसाइल से लैस युद्धपोत भी शामिल थे। ड्रिल का मकसद नाटो देशों में तालमेल बढ़ाना था। ये ड्रिल 22 जुलाई तक चलेगी। अमेरिका के हवाई में एक 36 मंजिला इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। आग इमारत की 3 मंजिलों में लगी थी। आग 26वीं मंजिल से भड़की और जल्द ही ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई। आग को करीब 4 घंटे बाद काबू में किया गया। भारी बारिश से जूझ रहे चीन के गांगसू प्रांत में कल ओले गिरने से मुसीबत और बढ़ गई। हालांकि ओले सिर्फ 15 मिनट गिरे, लेकिन इसी में वो काफी नुकसान कर गए। ओलों से खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही कारों को भी नुकसान पहुंचा। अफ्रीकी देश माली में संविधान में किए जा रहे बदलाव के विरोध में मार्च निकाला गया। लोगों का मानना है कि संविधान में बदलाव से राष्ट्रपति इब्राहिम बेबुकार केटा को नई ताकतें मिल जाएंगी, जिसका इस्तेमाल वो कई विवादित मुद्दों पर फैसला लेने में कर सकते हैं, जिसमें देश में नए इलाके बनाना प्रमुख मुद्दा है। टर्की में पिछले साल तख्तापलट की नाकाम कोशिश में शामिल होने के आरोप में 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, मंत्रालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। सरकार ने कार्रवाई न्यायपालिका, पुलिस और शिक्षा से संबंधित सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता लाने के लिए की है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे सरकार का तानाशाही फैसला बताया। चीन के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवाधिकारविद नेता लियू शियाओबो का गुरुवार को लीवर कैंसर की वजह से निधन हो गया, जिसके बाद हांगकांग में एक साइलेंट मार्च निकाला गया। यूएन ने शियाओबो की मौत के लिए चीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में बर्फबारी हुई। यहां आमतौर पर बर्फ नहीं देखी जाती। मौसम में बदलाव का लोगों ने भी खूब मजा लिया। हालांकि बर्फ गिरने से बिजली संकट पैदा हो गया है और करीब 3 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। बेलारूस से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फाइटर एक प्लेन टेक ऑफ के वक्त आग पकड़ लेता है और पायलट आखिरी वक्त में इजेक्ट होकर किसी तरह अपनी जान बचाता है। मिस्र के हुरगादा में एक होटल में एक शख्स ने चाकू से हमला कर 2 जर्मन नागरिकों को मार दिया और 4 और लोगों को घायल कर दिया। बाद में हमलावर को होटल स्टाफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।